हाय, वेलकम बैक। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मैं हूं सचिन राय और मैं सीए फाउंडेशन दिसंबर 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं। इस वीडियो में मैं आप सभी को शेयर करना चाहता हूं मैं कहां तक प्रिपेयर हूं दिसंबर 2021 सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम के लिए। तो आप सभी को बता दूं कि मेरा प्रिपरेशन अभी तक कम्प्लीट नहीं हुआ है। अकाउंट्स और मैथ्स में अभी बहुत ज़्यादा चैप्टर्स बचे हुए हैं। स्टिल लॉ और इकोनॉमिक्स के सभी चैप्टर्स मैंने लेक्चर्स देख कर कम्प्लीट कर चुका हूँ, पर उनका रिवीजन अभी भी पेंडिंग है। लॉ में इंग्लिश सेक्शन यानी बीसीआर में 50% सिलेबस मैंने कम्प्लीट वीडियो देखकर कम्प्लीट कर चुका हूँ, अभी भी 50% बाकी है। लॉ की सभी लेक्चर्स मैंने लेकर कम्प्लीट कर चुका हूँ, अब बस रिवीजन करना है और क्वेश्चन पेपर वगैरह सॉल्व करना है। अकाउंट्स की बात करें तो अभी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बाकी है, इन्वेंटरी चैप्टर्स बाकी है, एवरेज ड्यू डेट बाकी है, अकाउंट करेंट बाकी है और बड़े बड़े चैप्टर्स में से पार्टनरशिप अकाउंट बाकी है, कंपनीज अकाउंट बाकी है और जितने भी चैप्टर्स के बारे में मैंने अभी जिक्र नहीं किया है, जितने भी चैप्टर्स का नाम मैंने अभी नहीं लिया है, वो सभी मैंने लेक्चर्स देख कर लेक्चर के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करके कंप्लीट कर चुका हूँ, लेकिन स्टिल रिविजन इज पेंडिंग। अकाउंट्स, मैथ्स, लॉ और इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट में मैथ्स में हूँ, क्योंकि मैथ्स में अभी बहुत सारे चैप्टर्स अभी भी रह रहे हैं और जितने भी चैप्टर्स मैंने करके मतलब लेक्चर देखकर कंप्लीट कर चुका हूँ उनमें भी मैं उतना खास कॉन्फिडेंट नहीं हूँ जितना मैं लॉ और इकोनॉमिक्स या फिर अकाउंट्स में हूँ। और जो चैप्टर्स अभी भी मुझे देखने हैं मैथ्स में वो हैं लीनियर इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, कैलकुलस, उसके बाद थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कोरिलेशन एंड इंडेक्स नंबर, ये सभी चैप्टर्स अभी मैथ्स में बचे हुए हैं। और जो भी चैप्टर्स मैंने कर लिया है लेक्चर देखकर और लेक्चर के साथ साथ जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं वो सब करके उन पर भी मैं उतना खास कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। मुझे पता है अब टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है, ये समय लेक्चर देखने का समय नहीं है। मुझे पता है कई स्टूडेंट्स अभी 2-3 बार रिवीजन कर चुके होंगे, लेकिन मैं अभी अपना सिलेबस भी कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ। और मुझे ये भी पता है कि कई स्टूडेंट्स मेरे ही कंडीशन में फंसे हुए हैं। कभी कभी लगता है कि मैं अपना अटेम्प्ट ड्रॉप कर दूँ, लेकिन सोचता हूँ कि अटेम्प्ट ड्रॉप करूँगा तो 6 महीने पीछे चला जाऊँगा, तो सोचता हूँ अभी 1 महीना बाकी है और जितना चैप्टर्स हो चुके हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स और लॉ का सिर्फ लॉ पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। मैं सोच रहा हूँ कि अब, क्योंकि अब बस 28 दिन बाकी है, जितना हो सके उतना जो कुछ भी मैंने कर लिया है उनको रिवाइज करूँ और साथ साथ जो चैप्टर अभी भी बचे हुए हैं, जैसे कि अकाउंट्स में कुछ चैप्टर बचे हैं और मैथ्स में भी कुछ चैप्टर बचे हैं, उनको भी साथ साथ करते जाऊँ। और मुझे पता नहीं कैसे होगा, लेकिन अब ये 3-4 हफ्ते में मैं अपना 100% देने का सोच रहा हूँ। मुझे पता नहीं है आप लोगों में से कितने का सिचुएशन मेरी तरह है, अगर आप में से भी कोई मेरे तरह कंडीशन में है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, सो दैट मुझे भी अकेला फील ना हो और या फिर आपको भी अकेला फील ना हो, क्योंकि इस सिचुएशन में मुझे पता है कभी ना कभी लगने लगता है कि शायद मुझसे ना होगा, नहीं होगा। कई स्टूडेंट्स मुझसे बहुत ही ज़्यादा आगे हैं, कई स्टूडेंट्स 2-3 बार रिविज़न कर चुके हैं, शायद मुझसे 200 भी बार नहीं होगा। देखो गाइस, मुझे पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, लेकिन इतना पता है कि मैं अब गिव अप नहीं करूँगा, अब नहीं सोचूंगा कि मैं अटेम्प्ट दे दूँ, जो देना है मैं दिसंबर में ही दूंगा। पता नहीं रिजल्ट क्या होगा नहीं होगा, पता नहीं अब ये 3 हफ्ते में मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, कैसे कंप्लीट होगा, कैसे रिवाइज करूँगा, मुझे कुछ पता नहीं। लेकिन बस इतना पता है कि यही 3 हफ्ते डिटरमाइन करेंगे मैं फेल हो जाऊँगा या फिर पास हो जाऊँगा इस अटेम्प्ट पर। तो गाइस, अगर आपका भी मेरे जैसे कंडीशन है तो मैं कहूँगा कि हार मत मानो भाई, अटेम्प्ट देकर देखो, एटलीस्ट 3 हफ्ते और हैं। अगर आप में से भी कईयों का हालत मेरी तरह है तो गाइस मैं यही कहूँगा कि अभी हार मत मानो, क्योंकि मैं भी हार नहीं मान रहा हूँ। मैंने भी सोचा था एटलीस्ट 285 तो लेके आऊँ जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, लेकिन अब वो टारगेट बहुत ही ज़्यादा दूर लग रहा है। तो गाइस, अगर आप भी मेरे कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो अच्छी तरह से पढ़े, अच्छी तरह से प्रिपरेशन करें तो शायद 40-50 मार्क्स और जोड़ ले हमारे टोटल स्कोर में। मुझे पता नहीं है आपका कितना है टोटल स्कोर, मेरा तो इनिशियली जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तब मेरा गोल था 280 के आसपास, लेकिन अब वो गोल बहुत ही ज़्यादा दूर लग रहा है।
मुझे पता नहीं मैं पास होऊंगा भी या नहीं, बस इतना पता है कि 3 हफ्ते है, 3 हफ्ते में फाड़ देना है, चीर देना है। मुझे पता नहीं मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, मुझे ये भी पता नहीं कि मैं ये यूट्यूब वीडियो बना कर क्या कर रहा हूँ, बस इतना पता है कि पढ़ना है। अब आप में से कई लोग सोचोगे कि अगर आप तुम्हें पढ़ना ही है तो यूट्यूब वीडियो बना ही क्यों रहा है, तो उन सभी के लिए एक ही आंसर है भाई, मेरा यूट्यूब चैनल है, कुछ ना कुछ कंटेंट अपलोड करना पड़ेगा। और मैं ऐसे स्टूडेंट हूँ जो रात दिन पढ़ने बैठ नहीं सकता है, बीच में कुछ ना कुछ टाइम चाहिए उसे, और फ्रेश होने के लिए ये वीडियो बना दे रहा हूँ। और ये वीडियो से शायद कई स्टूडेंट जो सोच रहे थे गिव अप कर देने का, शायद पता नहीं 100 200 कितने भी हो, एटलीस्ट एक का भी हेल्प हो जाता है, तो मैं मानूंगा कि जो मैंने टाइम इन्वेस्ट किया है अराउंड हाफ एन आवर और 1 घंटा ये वीडियो बनाने के लिए, वो वर्थ इट था। इस वीडियो के थ्रू मैं उन स्टूडेंट्स को एक मैसेज देना चाहता हूँ जो अगले साल नवंबर या फिर अगले साल मई में अटेम्प्ट देना चाहते हैं, उन सभी को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई भाइयों और बहनों ये बात दिमाग में बिठा लेना, तुम्हें मतलब इनिशियली तुम्हें लगेगा कि अभी बहुत ही ज़्यादा टाइम है, एग्जाम को आने में बहुत ज़्यादा टाइम है, और इसके कारण तुम सोचोगे अपने स्टडीज अपने प्रिपरेशन को पोस्टपोन करते जाओगे, लेकिन भाई भाई और बहनों ये गलती मत करना, वरना तुम भी आखिरी आखिरी मोमेंट में आकर पछताओगे जैसे मैं पछता रहा हूँ। तुम फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी स्टडीज को देना, उसके बाद ही और किसी चीज़ को। जब आखिर के महीने नज़दीक आएंगे, एग्जाम से पहले 1 2 महीने ही बचे रहेंगे, तब तुम्हें रिग्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तुम्हें रिग्रेट इस बात का होगा कि जब समय रहते तुमने पढ़ाई नहीं किया, और अब लगने लगेगा कि तुम्हारे पास समय ही नहीं है। जो अभी मुझ जैसे स्टूडेंट्स, जो कोई भी मेरे जैसे कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, उन सभी को लग रहा होगा, इतना ही मतलब यही नहीं लग रहा होगा कि तुमने टाइम वेस्ट किया, मतलब इतना बुरा फील होगा ना कि तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे पाओगे, रात को सोने जाओगे तो तुम्हें मतलब तुम्हारे दिमाग में एक वॉइस चल रहा होगा कि भाई अब नहीं हो सकता है, शायद नेक्स्ट अटेम्प्ट देना होगा। और ये मतलब ये स्टेज से निकलने में ही 1 2 हफ्ता लग जाता है। मैं अपनी पर्सनली अपनी बात करूँ तो मतलब मेरा फेस भी एक समय ऐसा आया था जब मुझे लगने लगा था कि मुझसे ये अटेम्प्ट नहीं होगा, और जब भी पढ़ने बैठता था तब मैं फोकस ही नहीं कर पाता था। अराउंड 4 से 5 दिन लगे इस स्टेज से निकलने में। तो बस भाई अब 3 हफ्ते बाकी हैं, यही 3 हफ्ते डिटरमाइन करेंगे हम पास होंगे या फिर फेल। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, बाय बाय।